तो दक्षिण भारत अभियान को धन उगाही के कैटेगरी में लाया जाता है ना। और जैसा मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, क्रॉस इनटू साउथ इंडिया। इसके लिए पहला अभियान जो है देवगिरी है। और देखिए दिल्ली से ये देवगिरी आए, तो दिल्ली से जो देवगिरी है ये सेंट्रल पॉइंट है। यही देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी दौलताबाद बनेगा, जिसे सेंट्रल पोजीशन है। और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है। यहाँ के शासक है रामचंद्र देव, है ना। रामचंद्र देव पर और हमला करेगा दक्षिण भारत का सारा हमला मलिक काफूर करेगा। है ना, रामचंद्र देव जब हमला करेंगे और यहां कर्ण वघेला भी थे, इस युद्ध में रामचंद्र देव हारेंगे, कर्ण वघेला भी गिरफ्तार होंगे और यही उनकी पुत्री थी देवल रानी, यही से देवल रानी को गिरफ्तार करके दिल्ली भेज दिया जाएगा। और जो पहले बताया कि फिर खिजर खान से उसकी शादी हो जाएगी। रामचंद्र देव को मारा नहीं गया, रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता मानी। रामचंद्र देव को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव का बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया, है ना। उसके भी पीछे एक रीजन यही था कि दिल्ली वह प्लान कर चुका था कि साउथ इंडिया कैंपेन करना है, तो साउथ इंडिया में गाइड चाहिए ना, जब आप पहले कभी गए ही नहीं। तो रामचंद्र देव और देवगिरी उसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जगह था और रामचंद्र देव मोस्ट एप्रोप्रिएट व्यक्ति थे, तो उनको गुड ह्यूमर में रखना जरूरी था। और वो जान चुके थे कि हार गए हैं तो अपना अस्तित्व बचाना है, तो हम इसके साथ सहयोग करें। और अलाउद्दीन को चाहिए था कि हमको दक्षिण के बारे में बताने वाला कोई चाहिए, इसलिए रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच समझौता हो गया, है ना। और रामचंद्र देव जब तक जिंदा रहे ही प्लेड द रोल ऑफ गाइड फॉर द नॉर्थ इंडियन इन्वेडिंग आर्मी, ठीक है ना। तो पहला देवगिरी का आक्रमण 1306-07 में हुआ, 1309 में तेलंगाना अभियान हुआ। तेलंगाना अभियान 1309 में हुआ, इसकी राजधानी थी वारंगल। वारंगल वाज द कैपिटल और प्रताप रुद्र देव यहां के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव और ये काकतिया डायनेस्टी है, काकतिया, है ना। वारंगल में काकतिया डायनेस्टी, राजधानी वारंगल और राजा प्रताप रुद्र देव। इस कैंपेन में मलिक काफूर को रामचंद्र देव ने भरपूर सहायता दिया और लंबे घेरे के बाद प्रताप रुद्र देव ने समर्पण किया और यहां भी बड़े पैमाने पर मलिक काफूर को धन मिला। राज फिर से प्रताप रुद्रदेव को लौटा दिया गया, उस समय ही होता था दक्षिण भारत के बारे में यही, क्या किसी भी राज को रिप्लेस देंगे राजा को या किसी भी डायनेस्टी को, ठीक है ना। और इसमें ही होता है कि हाँ ठीक है आप रहिए और हमको एनुअल खर्जाना देते रहिएगा, मतलब स्वीकार कर लीजिएगा।
अधीनता मानिए और फिर आप हमको वार्षिक खराज देते रहिएगा, टैक्स देते रहिएगा। अगला आक्रमण वेसल राज्य पर हुआ, वेसल राज्य पर अगला आक्रमण हुआ, वेसल में 1310-11 में आक्रमण हुआ, 1310-11 वेसल आक्रमण हुआ। यहां इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ द वेसलस और शासक वीर बल्लाल तृतीय थे, वीर वल्लाल थर्ड वाज द रूलर। फिर मलिक काफूर ने ही आक्रमण किया था और उन्होंने भी अगेन रामचंद्र देव वाज असिस्टिंग हिम, वहां पर भी अपार धन दौलत मिला। फिर आगे चलकर 1311 में ही पांड्या राज पर आक्रमण हुआ, 1311 इन लोगों की राजधानी मदुरा थी। यहां पर दो भाइयों में आपस में लड़ाई चल रहा था, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, है ना, इन दोनों भाइयों में आपसी लड़ाई चल रही थी। वीर पांड्या ने अपने भाई सुंदर पांड्या को हरा दिया तो सुंदर पांड्या ने स्वयं अलाउद्दीन की सहायता मांगी, तो इसको खोजी रहा था ऐसा पार्टी, तो एक भाई ने सहायता मांगी तो अलाउद्दीन ने सेना भेज दिया, हरा के धन दौलत लेके फिर मलिक काफूर वापस आ गया। इसी पीरियड में क्या हुआ कि 1313 में प्रताप रुद्रदेव मर गए, तो प्रताप रुद्रदेव का जो बेटा था, कहीं पर उसको कन्नड़ देव कहा जाता है, कहीं शंकर देव, सिहन देव, उसने अलाउद्दीन की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, है ना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। रामचंद्र देव की मृत्यु 1312 में हुई और ही ब्रोक एवरी रिलेशनशिप विद दिल्ली। फिर से मलिक काफूर को भेजा गया और मलिक काफूर ने शंकर देव को हराया और शंकर देव इस युद्ध में मारा गया, है ना। तो यहीं से देवगिरी पर नॉमिनल कंट्रोल का शुरुआत होता, क्योंकि प्रताप रामचंद्र देव के डायनेस्टी का अंत हो गया, देयर वाज नो वन टू रूल देयर, तो यहां पर एक नॉमिनल शासन की शुरुआत, हालांकि वैसा अलाउद्दीन के बेटा के जमाने में होगा, मुबारक खिलजी के जमाने में, लेकिन देयर वाज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कीप इट इन इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो दक्षिण में उस माहौल में ऐसा हुआ, ठीक है। तो इतने सारे कैंपेन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अलाउद्दीन ने किए और इन कैंपेन्स के परिणाम स्वरूप नॉर्थ इंडिया में उसने ऑथोरिटी के साथ शासन किया, साउथ इंडिया में केवल धन उगाही किया, वहां किसी भी राज्य को हराने के बाद उस राज्य को अपने राज्य में शामिल नहीं किया, हराने के बाद धन दौलत लेने के बाद वह राज्य फिर से उन लोगों को सौंप देता था। इसीलिए दक्षिण भारत का कैंपेन उसका कैंपेन कहलाता है धन उगाही का कैंपेन, ठीक है ना।